मरद माशाल्लाह बड़े बगैर तो माफ करना मैं तेन नहीं कह रही जिन्हों दियां भैन सड़कों से जांदियां ने फंडामेंटलिज्म से बचा लिया दकियानूसियों ने से बचा लिया। ये वो जितनी औरतें ये 8 मार्च लेके निकलती हैं ना इन्होंने अपने प्योवां का पता है ना इन्होंने भरावां की इज्जत का पता ना इन्होंने कोई पुत्र ने ना इन्होंने कोई पले ने एक की किता इन्होंने गलत किस्म की एक मटीरियल दे के ना पुत्रां की शक्ल तो हम सड़कों पर आ गई ने। मुझे मेरे बाप से बचाओ, मुझे मेरे शोहर से बचाओ, बॉयफ्रेंड से बचाओ, मेरे बेटे से बचाओ, इन्होंने थले पा के लित्तर मारो इस काबल में। ये तो अपनी औलाद से इंसाफ ना कर सकी, अपने शोहर से इंसाफ ना कर सकी, इनको तो यही नहीं पता कि हम पैदा क्यों हुई हैं। मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम अगर तुसी एडियां कीमती सी एडियां कायनात दा हुसन सी तो पहला हवा नू बनांदा और बाद चो आदम बनांदा। तुसी तरतीब ना बदलने की कोशिश करो, भावें किनियां डिग्रियां लै लो तो किड्डी अंग्रेजी बोलो मुँह चिब्बे कर लो। हकीकत ये है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बना के मर्द को बना के कायनात के लिए उसके ताबे करके उसको शऊर दे के उसे इल्म दे के उसको विजडम दे के उसको अथॉरिटी दे के कहा कि यही इज़ द मैन, इसके लिए मैंने कायनात बनाई है आदम मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जो और फिर उसके बाद उसके रौनक के लिए उसके सुकून के लिए फिर उसने हवा दे दी उसके अंडर उसके मातहत मर्द के प्रोटेक्शन में। तो जब औरत मर्द की प्रोटेक्शन से निकली वो खुद भी तबाह हुई, उसने अपना मर्द भी तबाह किया, अपना घर तबाह किया, अपनी आइडियोलॉजी से अपनी बेस से बेसलेस हो चुकी है ये औरत। बेस में रहे उसे पता हो मेरा मर्द है। अच्छा तुम्हें मर्द बताएगा तुमने किस तरह रहना है, ये कहती है मुझे मर्द बताएगा। हाँ तुझे मर्द बताएगा, आदम ने बताया था, आदम ने बताया था और मोहम्मद रसूलुल्लाह मर्द है, उसने बताया है, उन्होंने बताया है कैसे जीना है कैसे मरना है, उसने तुम्हें जिंदा दफन होने से बचाया है। तुम्हें जब मर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया तो वही सुन्नत चलेगी। तेरा बाप बताएगा, तेरा शौहर बताएगा, तेरा भाई बताएगा तूने कैसे ओढ़ना बिछोना है और कैसे रहना है। तू बगावत अपने ही मर्द के खिलाफ कर रही है जिसके बाद पैदा हुई। जे तू एडी पहुंची से ते फिर तेनू रब पहला पैदा करदा ते तेरे को सजदे करा फरिश्तियां नू कहंदा कि इस औरत नू सजदे कर। औरत सजदा तुझे नहीं हुआ, सजदा मर्द को हुआ है। मर्द को तू नफी करने आती है, सड़कों पे उतारने आती है, अपने हकूक मांगने आती है बगैर जिम्मेदारी। तेरी जिम्मेदारी थी कि तू मर्द को बंदे का पुत्र बनाती है एक आइडियल, तू जिम्मेदारी छोड़ के तो हकूक मांगने आई है। एक थप्पड़ मारे मेरी तरफ से और एक थप्पड़ मारे मेरी ये पूरी 20 करोड़ आवाम तेरे मुंह के ऊपर। NGO से लेके पैसा वो लगा के बैनर्स बना के और कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर तेरी इतनी मर्जी चलती है तेरे जिस्म पे तो जब तुझे कफन पहनाया जाता है 5 कपड़ों का तो उसमें से स्काफ तो मत पहना कर, क्योंकि जिंदगी में हमें पसंद ही नहीं है पहनना। मैनू आप नहीं पसंद, ऐसी साढ़े वगैरह बड़िया ने नफ्स ते चलन वालियां, पर अगे लितर नहीं खाना। कुरान च है, सूरह नूर च है, सूरह हिजाब च है कि हिजाब पा। मैं मुस्कान को सलूट करूंगी। मैं तानू सलूट क्यों करा भाई, ताड़ी तो बेस कोई नहीं। भाई सबसे बड़ी बात यह कि जब एक लिबरल सो कॉल्ड मरती है तो जब दफनाने लगते हो तो जुरत है ना तो उसके सर से स्काफ उतार लेना। तो इतना कोई जिसम जे ताड़ा कोई मर्जी नहीं चलती किसी जिस कौन सा जिसम। और बाकी ये रह गई ये फजूल किस्म के नारे वो क्या क्या मुझे तो याद ही नहीं। मैं तो इंटरेस्ट नहीं क्योंकि हाँ अमेरिका के वुमेन डे को मैं अटेंड करती हूँ, हम डिबेट्स करती हैं, वो बेचारी मजलूम है पता ना, उनके राइट्स भी होंगे ना कुछ, उनके मोटिव होंगे जिसकी वजह से वो निकलती होंगी। वो मजलूम है, वो सुबह से देखे लान घास उन्होंने अपनी काटनी ताड़े बंदियां ने आके कटनी। ये बराबरी की मांग रही ने, हर मुश्किल काम उन्होंने मर्दों से किया। पाकिस्तानी औरत ने हर मुश्किल काम मर्द से कराना, कहा भी तू कट, अच्छा जनाजा भी मेरा तू चुक, खेती बाड़ी भी तू कर, ढो सारा सामान। तो मैं सिर्फ ब्रांडेड पर्स लेके तो 2-4 अंग्रेजी और एक सिर पे सूट के कोक लेने आई तेनू तो तेरे घर का बंदा नहीं पूछता तो तू बाहर तो कदे पूछना ही। मुफ्त तो कोई मक्खी मरी मक्खी नहीं देंदा। तो ये तो पूरा साल उसकी तैयारी करती है। इनको कौन फंडिंग करता है, कौन पे दे रहा है, कौन पैसा दे रहा है? इनकी स्मोकिंग, इनके ड्रग्स, इनकी शराब, इनके लिबास, इनकी गाड़ियां, इनके पेट्रोल में कौन पैसा डाल रहा है? ये एडियां ने एक दिल ने इन्होंने मस्जिद दे दिया तो चिल्ला कटन इतनी पहुंची हुई है इनकी। तो फिर आप लोग इज्जत करें जो 8 मार्च करती हैं, अरेंज करती है और पैसा भी कहीं से नहीं लेती क्योंकि हुकूमत तो इनको दे नहीं रहा। ये वुमेन मार्च किसके खिलाफ करती है? फिदर शाहिम बिदरशाही निज़ाम के खिलाफ।